वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों 13 जून 1997 यानी कि 25 साल पर रिलीज हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेपी दत्ता की मल्टी स्टार वॉर फिल्म बॉर्डर, यानी कि आज बॉर्डर को 25 साल पूरे हो गए, 25 ईयर्स, जैसे इमेजिन 25 साल हो गए, ऐसा लग रहा है कल ही फिल्म देखी थी। और फिल्म के स्टार्स तो आपको पता ही है, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पूजा भट्ट, तब्बू, सरबानी मुखर्जी, मैनी यूज, मतलब बहुत बड़ी कास्ट थी। कुलभूषण करमंदा, सुदेश बेरी, पुनीत सर, बहुत बड़ी कास्ट थी। और ये फिल्म बैंड्रा में रिलीज नहीं हुई थी, तो ये फिल्म मैंने माटुंगा के सिटी लाइट सिनेमा में देखी थी। ये रही 25 साल पुरानी टिकट बॉर्डर 13 जून 1997। इसके पीछे मैंने लिखा भी सनी देओल बॉर्डर, इसमें फेवरेट एक्टर सनी देओल, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर, मैं डायरेक्ट फैन ऑफ सनी देओल। ये फिल्म लगी थी सब जगह, फिल्म हाउसफुल थी। हालांकि वॉर की फिल्म जब रिलीज होती थी उस वक्त तो लोग बोलते यार ये सब नहीं चलेगा वॉर, उस वक्त सब रोमांटिक फिल्में आ रही थी और वॉर फिल्म तो बहुत कम चलती है और बहुत कम अप्रिशिएट होती है, तो ये फिल्म सब जगह हाउसफुल थी क्योंकि सनी देओल उस जमाने के बहुत बड़े एक्शन हीरो थे और साथ में सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और दूसरे स्टार भी थे। और फिल्म का जो म्यूजिक था अनु मलिक जी ने दिया था म्यूजिक और जावेद अख्तर जी ने लिरिक्स लिखे थे और सभी का गाने, सभी के सभी गाने सुपर डुपर हिट थे। स्पेशली संदेश से आते वो गाना तो इतना सुपर हिट हुआ था, आई थिंक नेशनल अवार्ड मिला था उस गाने को, तो वो सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके अलावा दूसरे गाने भी सुपर हिट हुए थे। और फिल्म जब खत्म होती है तो एक गाना आता है वहाँ पे, पीपल वर जस्ट स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द सॉन्ग, जस्ट इमेजिन। हालांकि जो आज की तारीख में अगर फिल्म खत्म होती है और गाना पब्लिक बाहर चली जाती, मतलब वो गाना इतना खूबसूरत था कि लोग, पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग एंड लिसनिंग, व्हाट अ सॉन्ग। तो म्यूजिक वाज सुपर हिट और फिल्म वाज जो 1971 में जो वॉर था उसके ऊपर बेस्ड थी फिल्म, सबको पता है। तो इसकी स्टोरी स्क्रीन पे एकदम जबरदस्त, एकदम स्ट्रांग थी, एकदम जबरदस्त थी कि एक एक सीन लोगों को बेहद पसंद आया। और जेपी दत्ता ने जिस तरह फिल्म को डायरेक्ट किया था राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, तो वो लोगों को लोकेशंस, वो जो रेत के सब सीन, जो वॉर के सीन जो शूट किए थे, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, धमाकेदार सीन पिक्चराइज किए थे। और व्हाट अ डायरेक्शन जेपी दत्ता जी ने दिया था, इट वाज हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1997 बहुत। और इन 3 नेशनल अवार्ड भी मिले थे, बेस्ट फिल्म और 11 नॉमिनेशन भी मिले थे आई थिंक फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। तो वेरी वेरी ह्यूज ब्लॉकबस्टर हुई थी, मेट्रो सिनेमा में लगी थी और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे और नेवी के लोग भी उस पिक्चर को देखने को आए थे मेट्रो सिनेमा में। डेट वॉज लाइक अ फेस्टिवल, पीपल ने इमेजिन किया एक वॉर की फिल्म इतना बड़ा धमाका मचाएगी। तो उस और उस दौर में सब रोमांटिक फिल्में आ रही थी, सलमान खान, शाहरुख खान की, और इस बीच में ये फिल्म आई गई थी। इवन नो बडी इवन इमेजिन ये इसी ब्लॉक बस्टर चल चल जाएगी, सनी देओल बड़ा हीरो है, एक्शन हीरो है, चल जाएगी। बट नेवर देयर नेवर थॉट इट बिकम सच अ ह्यूज ब्लॉक बस्टर, अ लैंडमार्क फिल्म। और परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म में सनी देओल वॉज द मेन लीड, उनका काम जबरदस्त था। उनके जो एक्शन सीन्स, उनके जो कमांडिंग और क्लाइमेक्स में जो उन्होंने जो जिस तरह से वॉर में सीक्वेंस में जो अपना हुनर दिखाया, डेट वॉज सुपर। उनका चिल्लाने का स्टाइल वो सब जबरदस्त था, पीपल लव्ड सनी देओल वेरी मच इन द फिल्म। लेकिन सुनील शेट्टी का जो काम था लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया, इवन मोर देन सनी देओल, पीपल एंजॉयड सुनील शेट्टी वर्क। I am a diehard fan of Sunny Deol, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया कि सुनील शेट्टी वॉज इन 2-3 सीन्स वॉज बेटर देन सनी देओल। स्पेशली जो क्लाइमेक्स का सीन था जहाँ पर वो कुछ लेकर जाते हो टैंक के नीचे घुस जाते हैं सुनील शेट्टी की और पूरा ब्लास्ट हो जाता है और पब्लिक ने बहुत सीटियाँ बजाई थी वो, तो सुनील शेट्टी का काम को बहुत बहुत ज़्यादा सराहा गया था। तो आई थिंक इट वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट रोल ऑफ सुनील शेट्टी एट दैट टाइम, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सुनील शेट्टी। इसके अलावा जैकी श्रॉफ जी का बहुत छोटा रोल था लेकिन उन्होंने अपना रोल ईमानदारी से निभाया था। उसके अलावा अक्षय खन्ना, उनका काम भी काफ़ी अच्छा था, वो ऐसा सपोर्ट किया उन्होंने उनका। और पूजा भट्ट जी का जो रोमांस बताया वो भी काफ़ी अच्छा बताया। सुनील शेट्टी जी, सरबानी मुखर्जी का जो गाना है वो भी जबरदस्त बताया। हालांकि सरबानी मुखर्जी सिर्फ छोटा ही, बहुत छोटा रोल है, इतनी बड़ी कास्ट है तो तब्बू जी, उन सबको छोटा छोटा रोल दिया गया क्योंकि हीरोइन का उतना महत्व नहीं था फिल्म में। उनके अलावा पुनीत सर, कुलभूषण करमंदा और सुदेश बेरी, इन्होंने भी जबरदस्त सपोर्ट किया। सुदेश बेरी और आई थिंक किसी की लड़ाई भी हो जाती है, सुनील शेट्टी की लड़ाई हो जाती है, वो भी सब बहुत अच्छा सीन लिए। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी वेल स्क्रिप्टेड फिल्म, वेरी वेल रिसर्च फिल्म, वेरी वेल परफॉर्म फिल्म।
It was a blockbuster, mega blockbuster at the box office. बहुत बड़ी धूम मचाई थी 25 साल पहले. तो आज 25 साल कंप्लीट हुए बॉर्डर को, तो ह्यूज ह्यूज कांग्रेस टू द डायरेक्टर, द कैप्टन ऑफ द शिप राइटर जे पी दत्ता जी, उनका जबरदस्त डायरेक्शन था. तो कांग्रेस टू जे पी दत्ता जी, सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पूजा भट्ट, तब्बू, सर्वानी मुखर्जी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण करबंदा, सुदेश बेरिया, एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ बॉर्डर for completing 25 glorious years. It was a festival 25 years ago. यही टाइम पे मैं सिटलेक सिनेमा के बाहर निकला था और मैंने कहा था इट्स अ ब्लॉकबस्टर. सो कांग्रेस वाज अगेन टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ बॉर्डर फॉर कम्पीटिंग 25 glorious years. सो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन इज बाय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.